बुधवार को संसद के बजट सत्र के आखिरी दिन विपक्षी पार्टियों ने संसद परिसर में अपनी अलग अलग मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस, तेलुगु देशम पार्टी और तृणमूल कांग्रेस ने केंद्र की बीजेपी सरकार और पीएम मोदी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। संसद के बजट सत्र के आखिरी दिन विपक्ष ने सरकार को घेरने के लिए चौतरफा हमला किया। संसद परिसर में कांग्रेस, टीडीपी और टीएमसी के सांसदों ने अपनी अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान विपक्षी सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। टीएमसी के सांसदों ने बुधवार को संसद परिसर में काले कपड़े पहनकर अपना विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शन के दौरान टीएमसी के सांसदों ने एक पोस्टर भी अपने हाथों में पकड़ रखा था, जिस पर लिखा था, मोदी गवर्नमेंट्स एक्सपायरी डेट इज ओवर। टीएमसी के प्रदर्शन को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का भी समर्थन मिला। जैसे ही राहुल गांधी संसद पहुंचे तो वो खुद टीएमसी के सांसदों के प्रदर्शन में शामिल हुए। बुधवार की सुबह कांग्रेस की पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक हुई, जिसमें सोनिया गांधी ने रफाल के मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। सोनिया गांधी ने मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्लफ मास्टर करार दिया। मीटिंग खत्म होने के बाद कांग्रेस के सभी सांसदों ने गांधी प्रतिमा के सामने रफाल डील के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस के इस विरोध प्रदर्शन में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी समेत कई अन्य नेता शामिल हुए। देश को संदेश देना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने इस देश के अंदर वायदा खिलाफी की है और बेईमानी से शासन चलाया है। रफेल का जो जहाज का खरीद का घोटाला है वो एक शताब्दी का सबसे बड़ा घोटाला है। रोज उसमें नई नई बातें सामने आ रही हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री स्वयं संलिप्त रहे हैं, उनका हस्तक्षेप रहा है, देश को नुकसान हुआ है और सुरक्षा से समझौता हुआ है। इसके अलावा तेलुगु देशम पार्टी के सांसदों ने भी आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि टीडीपी के सांसदों ने शीतकालीन सत्र के दौरान भी संसद के अंदर और बाहर आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था। अंकुश चौबे, गो न्यूज़।